नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। भारत नेपाल के बीच शुरू हुआ नए रिश्तों का चेक पोस्ट, पीएम मोदी और पीएम ओली ने किया पोस्ट का उद्घाटन। भारत नेपाल सीमा पर जोग बनी विराट नगर, इंटीग्रेटेड बना पहला चेक पोस्ट, पीएम मोदी और पीएम ओली ने कहा दोनों देशों के बीच बढ़ेगा व्यापार। पीएम मोदी ने कहा भारत नेपाल में बना रहा है 50,000 घर, बोले नेपाली भाई बहनों को बहुत जल्दी सौंपे जाएंगे घर। नेपाल पीएम केपी ओली ने भारत के साथ रिश्तों को बताया बेमिसाल, बोले दोनों देशों का तेल पाइपलाइन के बाद चेक पोस्ट है बड़ा कदम। अमित शाह ने लखनऊ में सीएए रैली को किया संबोधित, बोले सीएए को लेकर मुस्लिमों को जा रहा है भड़काया। कांग्रेस पर अमित शाह ने सीए के बहाने किया हमला, बोले कांग्रेस ने अपने लिए भारत माता के किए दो टुकड़े। अमित शाह ने कहा सीए पर करते रहे विरोध प्रदर्शन, बोले मोदी सरकार वापस नहीं लेने वाली नागरिकता कानून। लखनऊ की सरजमी से शाह ने सीएम ममता को ललकारा, बोले सीए एनआरसी पर ममता के पेट में क्यों होता है दर्द। अमित शाह ने अखिलेश मायावती को बनाया निशाना, कहा ये लोग न बोले तो अच्छा होगा उनके लिए। सीएम योगी ने सीएए के समर्थन रैली में विपक्ष पर किया हमला, बोले सीएए का विरोध करना द्रौपदी के चीरहरण जैसा है पाप। सीएम योगी ने चीरहरण जैसे पाप में सहभागी न बनने की दी नसीहत, बोले सपा बसपा और कांग्रेस के पाप को घर घर जाकर करेंगे बेनकाब। सीएम केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से किया नामांकन, बोले दिल्ली के 70 में से 70 सीटें जीतने जा रही है आप। भाजपा के सुनील यादव ने केजरीवाल के सामने भरा पर्चा, यूपी के मूल निवासी सुनील पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस के रोमेश सबरवाल ने नई दिल्ली सीट से किया नामांकन, बोले केजरीवाल को हराकर कांग्रेस की झोली में डालूंगा सीट। दिल्ली चुनाव में जेडीयू के पवन वर्मा के बयान से बढ़ी रार, पवन वर्मा ने कहा सीएम नीतीश साफ करें विचारधारा। मंगलोर एयरपोर्ट पर विस्फोटक मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, सुरक्षा बलों ने सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्ध की शुरू की तलाश। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लगा बड़ा झटका, 100 बीघा जमीन वापस लेने का राजस्व कोर्ट ने दिया आदेश। पीस पार्टी ने अयोध्या केस में दाखिल की क्यूरेटिव पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन ही बचा है आखिरी विकल्प। ब्राजील के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर होंगे मुख्य अतिथि, राष्ट्रपति बोलसोनारो 26 जनवरी को परेड के बनेंगे गवाह। गणतंत्र दिवस से पहले असम में बड़ा बम विस्फोट, चराईदेव के ब्लास्ट में दुकानें खंडहर में हुई तब्दील। कश्मीर में दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़, अवंतीपुरा में 2 आतंकी ढेर और 2 जवान घायल। सीएए का फायदा उठाने के फिराक में जुटा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में घुसपैठ तेज होने की आशंका। जेएनयू हॉस्टल फीस बढ़ोतरी का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, छात्र संघ ने फीस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की अर्जी। केरल के 8 पर्यटकों की नेपाल के दमन रिसोर्ट में हो गई मौत, भारतीय पर्यटकों की मौत पर नेपाल पुलिस ने शुरू की जांच। भाजपा ने दिल्ली चुनाव से सादे बिहार के राजनीतिक समीकरण, जेडीयू को 2 और एलजेपी के लिए भाजपा ने छोड़ी 1 सीट। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में आरजेडी को साथ लेकर बिहार को साधा, आरजेडी को चुनाव में प्रत्याशी उतारने के लिए कांग्रेस ने छोड़ी 4 सीट। सीएम खट्टर को लिखी चिट्ठी में अनिल विज का छलका दर्द, बोले हरियाणा सीआईडी चीफ नहीं सुन रहे हैं उनकी बात। सीएम खट्टर और गृह मंत्री ब्रिज के बीच सीआईडी पर हैरार, चार्जशीट दाखिल करने के लिए दोनों के बीच है तकरार। भाजपा के अमित वालवी को मानहान का 1 करोड़ का नोटिस, शाहीन बाग की 2 महिलाओं ने मालवी पर किया है मानहान का केस। अमित मालवी ने महिलाओं पर पैसा लेने का लगाया था आरोप, बोले थे सीए के प्रदर्शन में पैसा लेकर शामिल होती हैं महिलाएं। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे पर पुलिस ने दर्ज किया केस, अलीगढ़ हिंदू महासभा ने संदीप पांडे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। संदीप पांडे ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया था भाषण, यूनिवर्सिटी में सीए के विरोध में प्रदर्शन में हुए थे शामिल। मालेगांव की मेयर ताहिरा अपनी टीम के साथ पहुंची दिल्ली, शाहीन बाग के सीए प्रदर्शन की महिलाओं को देंगी समर्थन। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, भाजपा के राज्यसभा सांसद का 1 अगस्त 2022 को खत्म होना था कार्यकाल। लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे चौधरी, मोदी सरकार 1 में कई मंत्रालयों को संभाल चुके हैं जिम्मेदारी। भाजपा की कमान संभालते ही जेपी नड्डा को लगा पहला झटका, एनडीए में शामिल, अकाली दल ने दिल्ली में छोड़ा भाजपा का साथ।
स्कूली छात्रों से रास्ते में अश्लील इशारे करना, युवक को पड़ा भारी, महिलाओं ने मंचले को दबोचा और सरेआम नंगा करके पीटा। आंध्र प्रदेश की तीन राजधानी वाले फार्मूले पर विरोध हुआ तेज, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किया लाठीचार्ज। पुलिस के साथ झड़प के बाद टीडीपी सांसद जयदेव गिरफ्तार, कोर्ट ने गिरफ्तार सांसद को 31 जनवरी तक के लिए भेजा जेल। हिमाचल सीएम जयराम ने शुरू की पहली संपूर्ण ई डिस्ट्रिक्ट मंडी, सीएम ने कहा अब घर बैठे लोगों को मिलेगी ऑनलाइन सुविधा। साईं बाबा के जन्म स्थान के विवाद पर शिवसेना ने दी सफाई, कहा सीएम ठाकरे को विवाद के लिए नहीं माना जा सकता है जिम्मेदार। पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में जीवीएम से तुर्की बंधु निलंबित, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर दोनों पर भी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता रद्द मामले में न्यायालयों को दी सलाह, बोले विधायक और सांसदों के मामले में सोच समझ कर लें फैसला। मणिपुर के विधायक श्याम कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका, मणिपुर कोर्ट ने रद्द कर दी थी सदस्यता। मुंबई पुलिस ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, अंधेरी इलाके में अवैध तरीके से 2 साल से रह रहे थे बांग्लादेश। चीन में खतरनाक वायरस से लोगों में मचा हड़कंप, अब तक आधा दर्जन की मौत और 300 बीमार। आईसीआईसीआई बैंक ने खाता धारकों को एटीएम से दी नई सौगात, कहा बिना कार्ड के एटीएम से रोजाना निकाल सकते हैं 20,000। झारखंड का जरिया शहर बना भारत का सबसे प्रदूषित शहर, ग्रीन पीस इंडिया ने जारी अपनी रिपोर्ट में कोयले को मानी बजा। पेरियार पर अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने से रजनीकांत का इनकार, सुपरस्टार ने कहा बयान पर पीछे हटने का नहीं उठता है सवाल। मोदी सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को दिया अंतिम रूप, 1 जून 2020 को मोदी सरकार लॉन्च करेगी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। जनप्रभात सुपरफास्ट में इतना ही, देखते रहिए जनप्रभात।